लेकिन हरियाणा के अंदर जो मैं रोडों की स्थिति देख रहा हूँ, नालियों की स्थिति देख रहा हूँ, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है पीने की, ऐसी बदतर स्थिति तो मैंने किसी प्रदेश में नहीं देखा। उत्तर प्रदेश या बिहार, बहुत मैंने बिहार को लोग कहते थे पिछड़ा इलाका है, आज बिहार में भी आप चले जाएंगे तो ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी, जो कि यह नगर पालिका में गाँव की बात आ रहा हूँ। 10 दिन में क्या चुनाव है तो काम हो जाएगा, नहीं होगा काम, अब सरकार तो बदलना ही पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं कि घर घर जल नल योजना चला रहे हैं, लेकिन न यहाँ जल आया है, न नल आया है, न गली बना है, न सड़क बना है, सारे गली वाले भी परेशान हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा, आपने देखना शुरू कर दिया B7 न्यूज़। इस वक्त मैं आपको पता ही है कि जिस तरीके से फरीदाबाद में डेली टूर निकल रहा है, और उस तरीके से आज यहाँ पे भी है वसंतपुर में हूँ, और वसंतपुर में जो एक गलियों के निरीक्षण कर रहे थे हम, इस बार चुनाव सिर पे है, और लेकिन इस बार जीतेगा कौन, क्योंकि गली में जिस तरीके से काम हुआ है मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा। गली मोहल्ले का हाल देख लीजिए, वो सामने कीचड़ देख लीजिए, लोगों से पूछेंगे कि इनकी दुकानें हैं, दुकानों में कितनी दिक्कत होती है जब बारिश हो जाती है, तो आने वाले समय में जिस सरकार को चुना था वो काम कर रही है या नहीं कर रही। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है। और कहाँ से? मैं रहने वाला तो बिहार से। अच्छा, मैं बात करूँ यहाँ पे कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मुझे 21 साल हो गया। 21 साल हो गया। अगर बात करूँ सरकार की, तो सरकार तो इस बार ही मतलब कहती वादे बहुत कर दिए लेकिन काम कुछ नहीं हुआ गली मोहल्ले में। हमारे मोदी जी कहते हैं कि घर घर जल नल योजना चला रहे हैं, लेकिन न यहाँ जल आया है, न नल आया है, न गली बना है, न सड़क बना है, सारे गली वाले भी परेशान हैं। जी, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, साथ तो हम दे रहे हैं, हम हर बार उनको जिता रहे हैं, लेकिन अभी तक के कोई काम यहाँ देखने को नहीं मिला है। इस बार क्या लगता है, 10 दिन के बाद चुनाव है क्षेत्र में? 10 दिन में क्या चुनाव है तो काम हो जाएगा, नहीं होगा काम, सरकार बदलेंगे, अब सरकार तो बदलना ही पड़ेगा, काम नहीं हुआ है, काम हुआ ही नहीं। तो सबसे ज्यादा रोड की और मैं नालियों की समस्या बड़ी देख रहा हूँ, नाले और पानी के निकास की समस्या सबसे बड़ी। तो अगर वो कम्प्लीट हो जाए तो जनता खुद जागरूक होकर कहेगा कि नहीं भाई, हमें वोट जो काम किया उसे वोट देंगे, लेकिन काम तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, काम हुआ नहीं है। नहीं तो अगर यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई सरकार यहाँ पे आके अगर काम कर दे तो किस सरकार की उम्मीद लग रही है आपको? जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। काफी अच्छा बोला आपने, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। मोतीलाल निषाद, यूपी उत्तर प्रदेश। अगर बात करूँ जिस तरीके से यहाँ पे आप गलियों का हाल देख सकते हैं, बहुत ज्यादा कीचड़ है, ये रोड का हाल देख लिया हमने यहाँ पर। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए और कितने दिन की बात तो छोड़िए, मैंने तो बहुत प्रदेशों का दौरा किया, बहुत प्रदेश देखा, लेकिन हरियाणा के अंदर जो मैं रोडों की स्थिति देख रहा हूँ, नालियों की स्थिति देख रहा हूँ, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है पीने की, ऐसी बदतर स्थिति तो मैंने किसी प्रदेश में नहीं देखा। उत्तर प्रदेश या बिहार, बहुत मैंने बिहार को लोग कहते थे पिछड़ा इलाका है, आज बिहार में भी आप चले जाएंगे तो ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी, जो कि यह नगर पालिका, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, ये नगर पालिका है, नगर पालिका की ये स्थिति है। आप किसी, अब आप मेरे उत्तर प्रदेश चले जाइए, बिहार चले, किसी प्रदेश में चले जाइए, किसी गांव के भी हालात ऐसे नहीं होंगे। हाँ जी, तो अगर बात करूँ यहाँ पे सरकार जिस तरीके से वादे करती है, सबका साथ सबका विकास, विकास नहीं हुआ? विकास तो आप भी मीडिया वाले घूम रहे हैं और आप खुद ही देख रहे हैं कितना विकास हुआ है कितना नहीं हुआ है। जो तमाम वादे किए थे, तो वादे अगर करते तो आज हम आपको सब कुछ दिख ही रहा है सामने, वादे उनका पूरा होता तो ये स्थिति होती नहीं। क्या उम्मीद लग रही है इस बारी सरकार? उम्मीद तो हमको लग रही, देखिए बदलेगी, वो बदलना चाहिए। सरकार बदलने से क्या होता है, उसका लोगों का मनोबल मजबूत होता है और विकास होता है। हर 5 साल पे हमारे समझ से सरकार बदलनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर लोगों ने बताया, अपनी अपनी राय बता रहे हैं, ये भी बदलना चाहिए। मैं आपसे बात कर लूंगा एक बारी, आपसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? कोई नहीं, क्या नाम है? मेरा नाम भाई मोहित है। कॉलर सही कर लीजिए, अभी तो रात हो गई है। अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर जिस तरीके से, कितने साल से रहते हैं भाई आप? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। अगर बात करूँ यहाँ पे जिस तरीके से युवा हो आप, अभी तक आप सारी चीज देखते आए हो, जितनी परेशानी हो रही है, तो आने वाले समय में चुनाव है 10 दिन के बाद, किसी ने अभी तक कुछ नहीं करवाया, अच्छे अच्छे कितने आए और कितने चले गए, सारी बात यह है, कोई करने वाला है नहीं, सब गा के चले जाते हैं, बजा के चले जाते हैं। कलोनी वाले 10 अंकलों ने बोला है मलवा तो डलवाओ, वोट तो जब देंगे, कोई मलवा डलवाने के राजी नहीं है। लेकिन अभी वोट तो 10 दिन के बाद है, अब तो प्रचार का आ रहे होंगे, प्रचार करने आ रहे हैं, रोज ही आते हैं, एक ना एक कोई ना कोई पार्टी से हर कोई आ ही रहा है, नया पुराना। अभी रास्ता दिख रहा है, उस तरीके से देख के भी तो बोलना चाहिए कि हाँ भाई गली में काम होना चाहिए, वोट तो जब मिलेगी। अच्छा, नौकरी की बात करो तो नौकरी मिली है वैसे लोग? नौकरी तो भाई मैं जानता नहीं, मैं तो अपना ऑटो चलाता हूँ, अपना काम करते हैं, बढ़िया है। नौकरी में अपने को भरोसा नहीं है, नौकरी भरोसा नहीं है।
तो जिस तरीके से सरकार ने तमाम वादे किए थे कि पानी की सुविधा देंगे, रोड की सुविधा देंगे, नाली, हरियाणा में कुछ नहीं हो सकता भाई, ये सब फेक है, सॉरी इस चीज के लिए। तो आप मेरे से भी बुजुर्ग आदमी ये भाई है, इनसे पूछो, किसी से पूछेंगे तो यही बताएंगे, यही जवाब देंगे कोई भी। चलिए ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने बताया, मैं सर अगर आपसे बात करूँ तो सर, क्या नाम आपका? अनिल नाम है मेरा। कितने साल हो गए यहाँ पे? मुझे 12-14 साल हो गए। 12-14 साल है, कुछ बदलाव हुआ? बदलाव जो भी बदलाव हुआ अपने पैसों से हुआ है यहाँ गली का। और अपने पैसों से हुआ है? कितना पैसा लगा चुके हैं? मलवा लोग सब जो भी डलवाते हैं, मलवा सब अपने गली वाले डलवाते हैं, अपने पैसे से डलवाते हैं। तो कभी कंप्लेंट नहीं डाली आप लोगों ने? कंप्लेंट डालने में क्या होता है, हर चीज के पैसे देने पड़ते हैं। आज कूड़े की गाड़ी भी आती है तो भी पैसे लेती है। अच्छा, 50 रुपीज उसको भी महीने के देने पड़ते हैं। काम कुछ नहीं हुआ जी, सरकार बदलेंगे? सरकार बिल्कुल बदलेंगे जी, मतलब खुश नहीं है सरकार से। इस बार हरियाणा में बदलाव दिख रहा है? इस बार बीजेपी का बहुत हो गया, इस बार कोई भी निर्दलीय जो हमारी गली का विकास करे वो जीते। निर्दलीय में आपके दो क्षेत्र के नाम आ रहे हैं, एक ललित नागर जी आ रहे हैं, एक बीएसपी के नेता लाल चंद्र शर्मा खड़े हैं। काफी लोगों ने आपके यहाँ पे एरिया में तारीफ करी, लाल चंद्र शर्मा करके ललित नागर उनका लग रहा है। ललित नागर जी का भी सही है, वो भी काम गया, मतलब सरकार चेंज होनी चाहिए, सरकार चेंज होनी चाहिए। चलिए सर, क्या नाम है आपका? हरेकृष्ण पाठक। कहाँ से? यही इसमाइलपुर। इसमाइलपुर से? इसमाइलपुर का तो हमने निरीक्षण कर लिया, बहुत ही बुरा हाल है वहाँ का। बसंतपुर की बात कर ले तो गली में आप जैसे घूम रहे हैं? भी घूम रहा हूँ, पूरे इलाका घूम रहा हूँ। क्या सर? बहुत बुरा हाल है, नर्क से भी जिंदगी है यहाँ का। नर्क से भी जिंदगी? न पानी की निकासी, न रोड, न कोई फैसिलिटी, न लाइट की फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं सब कुछ है। मोदी जी क्या करे, कोई भी नहीं करे, न मोदी जी हो, कोई भी हो या योगी जी हो, यहाँ का कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ का जिंदगी का, यहाँ का प्रवासी का कोई भी कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई परेशानी, बहुत परेशानी है। और अगर बात करूँ यहाँ पे आप बदलाव हो, हमारी ये पेंट जो हर समय मैंने लपटा ही रहता है, मैं इतना पैसे देकर सिलाता था हूँ, लेकिन हर जगह लपेट कर रखा हूँ किचन में। अच्छा, तो फिर क्या लग रहा है इस बारी बदलाव होगा? अब देखिए, ये बदलाव की यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा है जो सही आदमी है, कोई भी नहीं सही है, क्योंकि इलेक्शन के समय में ही ये कुकुर मुत्ता की तरह दिखाई देंगे, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देंगे, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देते कभी भी। इस बारी मतलब लग रहा है कि गली का विकास होगा तो ही वोट जाएगा। विकास होगा, पब्लिक मैंने देखें, वो पब्लिक चुन के ले जा रही है ना, पब्लिक की देखो, पब्लिक नहीं देखेंगे तो क्या देंगे? ये इलेक्शन के समय में 10 दिन दिखाई देंगे, उसके बाद तो दिखाई ही नहीं देंगे, कोई भी नेता कोई भी हो, कोई नहीं दिखाई देते यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे देखा, सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रख दी, यहाँ तक कि यहाँ पे युवा जो है लड़के, उन्होंने भी अपनी बात रख दी कि सरकार आती है, वादे करती है लेकिन चली जाती है, लेकिन क्योंकि काम नहीं करता। जितनी भी गली में दिख रहा है आपको, मलबा दिख रहा है यहाँ पे, या रोड का थोड़ा सा कीचड़ कम हुआ है, वो सभी ये गली वाले मिल के करवाते हैं, अपना पैसा दे के करवाते हैं। यहाँ पे तमाम वादे हुए, जल धन योजना होगी, जल नल योजना होगी, वो भी हुआ, वो भी नहीं हुआ। रोड की वादे हुए, रोड भी नहीं बनी, नाली की वादे, नाली भी नहीं बनी। जनता वैसे तमाम परेशान है, मेरे पीछे मैं दिखा सकता हूँ कितना कीचड़ लगा हुआ है, लोग तमाम परेशान है। लोग अभी तक आस लगाए बैठे कि ऐसी कौन सी सरकार आएगी जो हमारे एक कहने पर ये काम कर दे, झूठे वादे ना करे। अब आप लोग किस वीडियो को लेकर क्या रहे, कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए बी7 न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा।